अगर आप मोबाइल फोन से ट्रेडिंग करते हैं और चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो। मेरा नाम है प्रवीण राणा और आप देख रहे हैं M6 श्योर गेन का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले जो व्यूअर्स पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी प्रॉपरली पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है AlgoCrab। जैसे ही आप AlgoCrab सर्च करेंगे तो आपको ये वाला आइकन दिखाई देगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है ताकि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा आपको वहाँ पर ओपन का बटन आएगा, ओपन के बटन पर आपको क्लिक करना है। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें अगर आप पहले से AlgoCrab के यूज़र हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और डिटेल्स भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर वेरिफिकेशन में डाल के आपको अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली खुल जाएगा उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं आप यहाँ आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेविगेशन बार पे जाना है जो कि टॉप लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही होगी। वहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है अपने ब्रोकर को लिंक करना और ऑथेंटिकेशन करना। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं ऑथेंटिकेशन के टैब में तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर से आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है और ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रोकर की क्रेडेंशियल्स या फिर API की और API सीक्रेट्स डालने हैं। अगर आपका ब्रोकर एलिस ब्लू है या जीरोदा है या एंजल ब्रोकिंग है या फायर्स है, इस तरीके के ब्रोकर्स इसमें एडेड हैं। अब अगर आप मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ ब्रोकर्स के टैब पर तो हमें दिखेगा कि कौन कौन से ब्रोकर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारे ब्रोकर्स हैं, इनमें से किसी भी ब्रोकर का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास अलग अलग अकाउंट्स हैं तो मैं पहले इस्तेमाल करता हूँ एलिस ब्लू का अकाउंट। तो डिटेल में यहाँ पर डालूंगा अपनी और डिटेल डालने के बाद मुझे अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद मुझे गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करूँगा ये मुझे ब्रोकर की वेबसाइट पर लेकर रीडायरेक्ट कर देगा। ब्रोकर की वेबसाइट पर मुझे अपने अकाउंट की क्रेडेंशियल्स डालनी है, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं सारी की सारी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ठीक से डालूंगा उसके बाद मुझे टोकन मिल जाएगा और ये मुझे वापस लेके मेरी और ये मुझे वापस AlgoCrab की वेबसाइट पर लेके आ जाएगा। जैसे ही हम AlgoCrab की वेबसाइट पर आते हैं उसके बाद हमें वापस से ऑथेंटिकेशन में जाना है और वहाँ पर वैलिडेट टोकन पर क्लिक करना है। अगर वैलिडेट टोकन पर क्लिक करने के बाद ऐसा लिखा आता है कि टोकन इज़ वैलिड, इसका मतलब ये है कि हमें सक्सेसफुली टोकन मिल गया है, अब हमारी ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि टोकन जब आप लेते हैं तो आपको वो रोज डेली लेना होता है। ठीक है, डेली आपको एक बार टोकन लेना होगा तभी आपकी ऑटो ट्रेडिंग सक्सेसफुली हो पाएगी। सुबह 8 से 9 के बीच अगर आप टोकन लेंगे तो अच्छे से आपको टोकन मिल जाएगा और पूरे दिन की ट्रेडिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगले दिन आपने टोकन नहीं लिया तो अगले दिन आपका ट्रेड नहीं होगा, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि टोकन आपको डेली लेना होगा। सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में 1 घंटे का आपके पास टाइम है, 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा टोकन लेने में और आपको सक्सेसफुली टोकन मिल जाएगा। ठीक है, टोकन लेने के बाद अब यहाँ पर आता है ये कि अब हमें ऑटो ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसके लिए हमें जाना होगा स्ट्रेटजीज़ के टैब में। दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार था उसमें एक स्ट्रेटजीज़ का टैब दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ के टैब में आपको जाना है और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ध्यान से आपको ये स्टेप देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए ये चूज़ करने के लिए कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है। जैसे ही आप स्ट्रेटजीज के टैब में जाएंगे वहां पर आपको एक टैब मिलेगा जिसका नाम है हीट मैप।
अगर आप हीट मैप के टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सिंबल्स दिखाई देंगे जिन सिंबल्स में अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी में आपको ट्रेडिंग करना है। अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी इंट्राडे है, कौन सी पोजिशनल है, वो आप आराम से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी सिलेक्ट करता हूँ, इंट्रामैक्स मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करनी है, तो मैं वहाँ पर क्लिक करके इंट्रामैक्स पर क्लिक करूँगा। अब ये हमें इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी के रिलेटेड सिंबल बताएगा कि कौन से सिंबल्स बेस्ट एक्यूरेसी दे रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अशोक लीलैंड है आपका, और इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा है, इंडसइंड बैंक है, अमर राजा बैटरी है, IDFC फर्स्ट बैंक है, सेल है, इनमें अलग अलग एक्यूरेसी लेवल्स आपको दिखा रहे हैं। और तो ये सारे सिंबल्स में आपको दिखा रहा है और इसमें कितने अमाउंट का प्रॉफिट और कितने पॉइंट का प्रॉफिट, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, जिस सिंबल में ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है यानी कि 70% से अबव एक्यूरेसी आ रही है वो सिंबल्स हैं। ठीक है, उन सिंबल्स में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने दोस्तों कि जहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा आती है उन्हीं में ट्रेड करना है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बैंक निफ्टी में करना है, मुझे निफ्टी में करना है, इंट्रामैक्स में प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो दोस्तों जब इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम ही होंगे ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिंबल में आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अब देखो सिंबल का ऐसा तो नहीं है कि आपने कसम खाइएगा कि आपको निफ्टी में ही या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, किसी भी सिंबल में आप ट्रेड कर सकते हो, बस आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए उसमें। तो इसलिए यहाँ पर हीट मैप का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल सेक्शन है, क्योंकि इसमें जाने के बाद आपको पता लगता है कि कौन से सिंबल्स कौन सी स्ट्रेटजी में बढ़िया काम कर रहे हैं। 8 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिनमें आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो 8 अलग अलग स्ट्रेटजीज में आप चेक कर सकते हैं भाई कौन सी स्ट्रेटजी में कौन सा सिंबल अच्छा काम कर रहा है। तो जो अच्छा सिंबल और अच्छी स्ट्रेटजी देखे उसको आपको सिलेक्ट कर लेना, यह है आपका सबसे मेन और फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के बाद। अब मान लीजिए अशोक लीलैंड का सिंबल जो था उसमें अच्छी एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रही है, अब अभी मान लीजिए हमें उस सिंबल को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा सबसे पहले कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब में। जैसे ही हम कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब में आते हैं वहां पर एक बटन दिखेगा क्रिएट सिंबल का, क्रिएट सिंबल के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे सिंबल सर्च और स्ट्रेटजी का मांगेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है और कौन से सिंबल में आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है, स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने के बाद हमें वहाँ पर सिंबल सिलेक्ट करना है जो कि हमने अभी डिसाइड किया अशोक लीलैंड का, तो हम यहाँ पर अशोक लिखेंगे। ठीक है, अशोक लिखने के बाद सिंबल आ गया है, इस सिंबल में हमें जो जो चीज़ें जानकारी यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सब यहाँ पर डाल देनी है, जैसे कि हमें स्टॉप लॉस चाहिए कि नहीं चाहिए, टारगेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद आपको क्वांटिटी डाल के यहाँ पर इसको सेव कर देना है, कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है उतनी क्वांटिटी आप डाल सकते हो। क्वांटिटी डालने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपको एक कार्ड जो है वो डैशबोर्ड पे दिखाई देगा जिस कार्ड का नाम अशोक लीलैंड लिखा होगा। ठीक है, उस कार्ड में 3 बटन आपको दिखाई देंगे नीचे नीचे, उनमें एक पहला बटन जो है स्टार्ट का बटन है, उस बटन को दबा देना है। जैसे ही वो ऑरेंज से ब्लैक मोड में चला जाएगा इसका मतलब यह है कि वो सिंबल स्टार्ट हो गया। अब जब भी आपका ट्रेड बनेगा इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी में वो ऑटोमेटिकली ट्रेड कर देगा और आपके अकाउंट में ट्रेड डायरेक्टली चला जाएगा। अगर आप यूज़ करते हैं एलिस ब्लू या तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप एंजल या जीरोधा या और कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं तो भी सेम ही प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, जाके ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको वहां से टोकन लेने के बाद आपको हीट मैप में जाके सिंबल देख लेना और सिलेक्ट करके कस्टमाइज स्ट्रेटजी में आके सिंबल सिलेक्ट कर देना है। ये तो है फर्दर प्रोसेस कि आप किस तरीके से ऑटो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कोई परफॉर्मेंस आपको देखनी है या आपको ये देखना है कि कौन से सिग्नल्स अभी चल रहे हैं कौन सी स्ट्रेटजी में, तो आप सिग्नल्स के टैब पे जा सकते हैं। जैसे ही आप सिग्नल्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कौन कौन से रनिंग सिग्नल्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे सिग्नल्स पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आप स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पर सिग्नल्स दिखाने आपको शुरू हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है कौन से सिंबल्स में क्या क्या सिग्नल्स कब कब आए थे, तो आप उसके लिए भी हमारा दूसरा टैब है परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस के टैब पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर भी आप स्ट्रेटजी और सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी स्ट्रेटजी जिस भी सिंबल पे आप क्लिक करोगे उसका पूरा पास्ट डेटा लेके आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से है। अब इस प्लेटफॉर्म का 6 डेज का फ्री ट्रायल है जिसको आप ले सकते हो। 6 दिन के फ्री ट्रायल में आप लाइव ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी नॉमिनल इसके सब्सक्रिप्शन प्राइजेस हैं वो पे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। 1500 रुपये से 3000 रुपये महीने के आसपास के चार्जेस हैं, एकदम नॉमिनल चार्जेस हैं, इनको पे करके आप सर्विसेज ले सकते हो। तो ये था दोस्तों प्लेटफॉर्म जिसमें कि आप आराम से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी कोई परेशानी आती है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हो और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।